बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़। मैं हूं तैयबा सतार। और मैं हूं अली नवाज शाह। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाक फौज के अलाउंस में 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी। रेंजर्स और एफसी को भी स्पेशल अलाउंस मिलेगा। सऊदी अरब समेत तमाम ममालिक से पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के लिए इकदाम किए जाएंगे। काबीना इजलास में बड़े फैसले। तहरीक लबैक पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर JIT बनाई जाएगी। साबिक वज़ीरे आज़म और जजेस से मरहलावार सिक्योरिटी वापस ली जाएगी। वफाकी काबीना में तौसी का फैसला। इत्तेहादी जमातों से मजीद 3 वज़ीरा लिए जाएंगे। काफ लीग के चौधरी मूनस इलाही, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अनवारुल हक और MQM के इकबाल मोहम्मद अली को वजीर बनाए जाने का इम्कान। जुल्फी बुखारी को दोबारा काबीना में जगह दी जाएगी। इजलास में फैसल वाडवा की काबीना में वापसी पर फैसला न हो सका। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों ने आज यौम शहदा मनाया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। 90 साल कबल डोगरा राज में 22 कश्मीरियों ने आसान मुकम्मल करने के लिए शहादतें दी। दिन मनाने का मकसद 1931 और तहरीक आज़ादी के शहदा को खराज अकीदत पेश करना है। कुर्बानियों की दास्तान आज भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ताज़ा रखे हुए है। सदर मुमलकत और वजीर आजम का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। आरिफ अलवी कहते हैं कश्मीरी तस्लीम शुदा हक के खुद इरादियत का मुतालबा कर रहे हैं। आज़ादी का दिन दूर नहीं, हर फोरम पर मदद फराहम करते रहेंगे। इमरान खान ने कहा 13 जुलाई 1931 को महाराजा डोगरा के फौजियों ने पुरअमन मुजाहरीन पर फायरिंग की। भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ कश्मीरियों की मजामत का जज्बा आज भी जिंदा है। हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड कोहोटा में अवामी ताकत का मुजाहरा। मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर की ओपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। मुराद सईद कहते हैं सियासी मुखालफीन का वक्त से पहले ही धांधली का शोर समझ से बालातर है, उनके करतूत ही शिकस्त का सबब बनेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा जो भी मुल्क का पैसा लूटेगा उसे हिसाब देना होगा। इमरान खान ने दुनिया को कहा जागो, कश्मीर का मसला हल करो। वजीर आजम ने अमरीका के डू मोर पर नो मोर कहा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में रकम तकसीम करने का इल्ज़ाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वफाकी वजीर की उम्मीदवार को रकम देने की वीडियो वायरल हुई थी जिस पर वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी। हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 20, 21 और 22 जुलाई की तातीलात का फैसला। वजारत दाखिला ने 3 छुट्टियों की तजवीज वजीर आज़म को अरसाल की थी। मुल्क भर में बारान रहमत से मौसम खुशगवार। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी। लाहौर और कराची में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आज भी तूफानी बारिशों का इम्कान। मुतलका इदारे हाई अलर्ट। लाहौर में वासा इंतजामिया के 30 से ज्यादा कैंप कायम। सिंध के भी बेशतर शहरों में बारिशों का पानी जमा। तूफानी बारिशों ने आज़ाद कश्मीर और KPK में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान बहक जबकि 24 जख्मी हो गए। वादी नीलम में तूफानी बारिशों से 14 घर तबाह। 20 से ज़ायद को जुज़्वी नुकसान पहुंचा। शांगला के नदी नालों में तुफियानी से होटल बह गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मवेशी मंडियों में रेन एमरजेंसी नाफिज। मानसून की बारिशों से दरिया चनाब में सैलाब का खतरा। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी। चनोट के मकाम पर आज 3 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरेगा। कादराबाद के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरिया चनाब से मुंसलिक नालों में भी तुगयानी का अंदेशा। धाबी जी से कराची को 3 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर बोर्ड के मुताबिक धाबी जी पंपिंग स्टेशन पर 10 से 12 जुलाई के दौरान के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में 4 बड़े ब्रेकडाउन हो चुके हैं। मुरम्मती काम में मुश्किलात का सामना है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया सूरत हाल पर खामोश। नादरा ऑफिस में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाजमी। नादरा का वैक्सीनेशन न कराने वालों को सहूलियात न देने का फैसला। तमाम नादरा दफातर में NCOC अहकाम के मुताबिक SOPs पर अमल किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का अंदिया। मुरासला जारी।
कोरोना केसेस की शराब फिर बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान 1590 केसेस। मुस्बत केसेस की शराब 3.63% रही। कोरोना से मजीद 21 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि कराची में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा से एक ही खानदान के 9 अफराद मुतासर। मुल्क भर में पहली बार 5 लाख शौमिया वैक्सीन लगाने का हदफ हासिल। असद उमर कहते हैं कल 3,90,000 वैक्सीन की पहली खुराकें लगाई गई। इंशाल्लाह मुल्क में वैक्सीन लगाने की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। लाहौर हाई कोर्ट में कोहे नूर हीरे की पाकिस्तान वापसी के लिए दरख्वास्त की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल बहस के लिए तलब। कोहे नूर सूबा पंजाब का सकाफती वरसा, मलका एलिजबेथ का इस पर कोई हक नहीं। अदालत हीरे की वापसी का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों से इजाफी टैक्स वसूली बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों पर टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। अदालत ने बर्फखानों को टैक्स छूट देते हुए कारोबार रजिस्टर्ड करने की पाबंदी भी खत्म कर दी। ट्रैफिक पुलिस में बड़ी तब्दीली। पहली बार कराची में खवातीन ट्रैफिक अहलकार तैनात। इब्तदाई तौर पर खवातीन अहलकार शाहरा फैसल और क्लिफ्टन में जिम्मेदारियां संभालेंगी, जो सड़कों पर पेट्रोलिंग भी करेंगी। हुकाम के मुताबिक खवातीन अहलकारों को अभी चालान का इख्तियार भी नहीं दिया गया। आरिफवाला में 10 रोज कबल जहरीला खाना खाने से 5 अफराद की हलाकत केस में ड्रॉप सीन। पुफीजाद भाइयों ने जहर देकर मुमानी और 4 कजन्स को कत्ल किया। मुलजमान गिरफ्तार। हमजा और अजीम ने मामू की डांट डपड़ से दिल बर्दाश्ता होकर घी में जहरीली गोलियां मिलाई। जहरीले घी से बने पराठे खाने से माँ और 4 बच्चों की हलाकत हुई थी। खानेवाल में बेटी को तंग करने से मना करने पर 2 बासर अफराद का लड़की के वालिद पर बदतरीन तशद्दुद। मुलजमान तशद्दुद के दौरान वीडियो बनाते रहे, सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी। बुजुर्ग शहरी पर बिजली की तार और लोहे के रॉड से तशद्दुद किया गया। मुकदमा दर्ज, मुलजमान गिरफ्तार। पाकिस्तान हॉकी का रोशन सितारा डूब गया। कौमी टीम के साबिक कोच और ओलंपियन नवीद आलम इंतकाल कर गए। नवीद आलम ब्लड कैंसर के आरसे में मुब्तला थे और कुछ रोज से शौकत खानम अस्पताल में जेर इलाज थे। हॉकी फेडरेशन और पीसीबी का नवीद आलम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। हॉकी में गरां कदर खिदमात पर उन्हें हुकूमत की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया था। बूम बूम आफरीदी की बेटियों के हमरा बारिश से लुत्फानंदोज होने की तस्वीर वायरल। शाहिद आफरीदी ने इंस्टाग्राम पर मौज मस्ती से भरपूर तस्वीर शेयर कर दी। साबिक कप्तान सबसे छोटी बेटी को कमर पर उठाए बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में भी उन्हें 2 बेटियों के हमरा बारिश से लुत्फानंदोज होते देखा जा सकता है। तालिबान की अफगानिस्तान के मजीद इलाकों की जानी पेशकदमी जारी। काबुल के करीब पहुँच गए। बामियान और लखमान के कई इजला पर कब्जा कर लिया। भारत की मजार शरीफ में भी कौंसल खाना बंद होने की तलात। तालिबान ने जिला सेखान, कहमुर्द और गंदक का कंट्रोल भी संभाल लिया। पुलिस हेडक्वार्टर्स, चौकियों और फौजी तंसीबात पर भी कब्जा। इराक के शहर अल नासरिया के अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में आतिशदगी। 64 अफराद जुलस कर जहां भाग। 67 जख्मी हो गए। आग ऑक्सीजन टैंक फटने से लगी। गफलत बरतने पर अस्पताल के सरबराह की गिरफ्तारी का हुक्म। और कौमी क्रिकेट टीम कामयाब या वाइट वॉश, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज बर्मिंघम में जारी। हेडलाइंस आपने जानी टैलन न्यूज के स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलन न्यूज़।